मैं हूं अभिषेक बारेट। इस वक्त आप धमचक.com देख रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में पन्ना रत्न का शिवलिंग का जो दावा हिंदू पक्ष ने किया था वो अब अचानक से सच साबित होता हुआ दिखने लगा है, लेकिन फिर भी कोर्ट ही इस पर अंतिम फैसला करेगा और हर पक्ष को न्यायालय की ही बात माननी होगी। अब ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में फव्वारा बताया जा रहे स्ट्रक्चर के शिवलिंग होने का दावा मजबूत हो गया है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे के वीडियो लीक हो गए हैं, आपने ये देखे भी होंगे। मुस्लिम पक्ष की ओर से किया गया दावा अब अपनी प्रामाणिकता खो रहा है। आज वही एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें नंदी महाराज से 20 कदम की सीधी दूरी पर मुस्लिम पक्ष की ओर से शिवलिंग को फव्वारा बताए जाने का दावा खारिज होता हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक 83 फीट की दूरी पर ये आकृति बिल्कुल शिवलिंग की तरह है, जिससे ऊपर की तरफ सीमेंट लगाकर शिवलिंग को जानबूझकर फव्वारा बताने की कोशिश करने का आरोप हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया है। शिवलिंग में 2.5 इंच का सुराख कर इसे जबरदस्ती फव्वारा दिखाने का आरोप भी लगाया जा रहा है, लेकिन अब लीक हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेहद प्राचीन शिवलिंग जैसी आकृति को चारों तरफ गोलाकार दीवार बनाकर उसकी जलेरी को भी ढका गया है। गोलाकार शेप की दीवार नई प्रतीत होती है, जबकि उसके अंदर शिवलिंग जैसी आकृति बेहद प्राचीन नजर आ रही है। साथ ही फव्वारा जैसे दिखाने के लिए उस पर सीमेंट से फव्वारा उकेरा गया है। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के और भी वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें नजर आता है कि जगह जगह त्रिशूल की आकृतियाँ बनी हुई हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर त्रिशूल की ये आकृति मुस्लिम स्कॉलर अभी गुलाब के फूलों की बता रहे हैं, पर इस दलील में कोई दम नज़र नहीं आ रहा है। दरअसल ये वीडियो कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को इस शर्त पर दिया गया था कि इसे किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीं किया जाए, लेकिन कुछ ही देर बाद में ये वीडियो सार्वजनिक कर दिए गए। त्रिशूल के अलावा स्वास्तिक के निशान भी वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। 58 सेंटीमीटर का शिवलिंग का दावा कर रहे हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया है कि शिवलिंग को खंडित करने की भी कोशिश की गई है और अब उन्हें वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको इस मामले में यहां पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको हमारा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि कोई खबर, कोई किस्सा, कोई भी कहानी आपसे छूटे ना। शुक्रिया।